अल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आपको इस नई वीडियो के साथ इस चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों ये आप पीछे मेरे देख रहे होंगे कि ये मशीन चल रही है। आज इसी मशीन की आपको परफॉर्मेंस दिखाएंगे कि ये मशीन किस तरह काम करती है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और किस वजह से इस मशीन का ज़्यादा आजकल इस्तेमाल हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। कि इस साइड पर जो बारिशें हैं बहुत ज़्यादा हुई हैं तो फसलें जो हैं वो लेट गई हैं, जिसकी वजह से ये मशीनें इधर चैनों वाली मशीनें जो हैं यही कामयाब हैं, वरना पहले दूसरी मशीनों के साथ ही काम चल रहा था, लेकिन ये गिली होने की वजह से अब इन्हीं मशीनों का काम रह गया, दूसरी मशीनों से अब ये काम नहीं होता। तो आज इसी वीडियो में इसी मशीन की परफॉर्मेंस आपको दिखाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, तो इस मशीन की परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो ये जो फसल है बिल्कुल गिर गई है, लेट गई है, आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल ये लेटी हुई है, जिसकी वजह से और साथ में क्या हुआ है कि इधर बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जिसकी वजह से ज़मीनें गिली हैं और फसलें जो हैं गिर गई हैं। तो जिसकी वजह से ये आप देख रहे होंगे कि दूसरी फसलें जो हैं इस साइड पर भी तो टोटली जो है लेट गई हैं, तो जिसकी वजह से ज़मीनें नीचे से गिली हैं, इसलिए ये चैनों वाली मशीनें इधर आई हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा मशीनें जो इधर आगे काम कर रही हैं। बड़ी मशीनें भी हैं, 8070 भी है, एक और है वो D573 सोमिका कंपनी की। तो इस तरह की काफ़ी मशीनें जो इस साइड पे आई हैं, तो एक वो आप सामने देख रहे होंगे और एक ये चल रही है, दो मशीनें, तो जिसकी ये सिर्फ गिला होने की वजह से ये मशीनें इधर आई हैं और काफ़ी काम कर रही हैं। तो अभी यह इस पर दोबारा आपको परफॉर्मेंस दिखाते हैं।
भी बैठा।